जी की इनसाइड स्टोरी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान और बगदादी के आतंकी संगठन आईसिस के झंडे लहराए गए। श्रीनगर में अलविदा नमाज के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और आईसिस के बड़े बड़े झंडे लहराए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव भी किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, एक बार फिर से बिल्कुल उसी तरह की तस्वीर हमारे सामने है, जिसका विरोध पिछले काफी दिनों से सामने आ रहा है। पाकिस्तान और आईसिस के झंडे एक बार फिर श्रीनगर में लहराए गए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज फिर एक बार श्रीनगर में जो है जामिया मस्जिद के पास का इलाका है, वहां पर नमाज के बाद जो है वो प्रदर्शन हुआ, और उस प्रदर्शन में एक बार फिर से जो है वो भारत विरोधी नारेबाजी की गई और आईएसआई एस के साथ साथ जो है पाकिस्तान के झंडे फहराए गए हैं। आपको बताऊं कि पहला वाकया नहीं है, मगर कहीं ना कहीं सवाल ये उठते हैं कि किस तरह से जो है पीडीपी और बीजेपी की सरकार इन लोगों को जो है वो टैकल कर रही है, क्योंकि बार बार ऐसा होता है, बार बार झंडे फहराए जाते हैं, बार बार देश विरोधी नारेबाजी होती है, मगर हर बार कहा जाता है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो एक्शन करेगी इन लोगों के खिलाफ, मगर ये रूटीन प्रोसेस एक बनता जा रहा है जो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। सवाल ये है कि सरकार इससे निपट क्यों नहीं पाती है, क्योंकि इसके पहले भी हम देख चुके हैं बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर उभरी थी, और आज तो अलविदा नमाज के तुरंत बाद ही पाकिस्तान और आईसिस के झंडे के साथ ये लोग सामने आ गए। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि हर बार जब भी बात होती है, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वो पीडीपी के मिनिस्टर्स हों, कोई भी हो, हर कोई कहता है कि कार्रवाई होगी, हर कोई कहता है कि हम उपयुक्त कार्रवाई करेंगे कानूनी दायरे के अंदर, मगर उसके बावजूद ये चीजें हो रही हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में थे और यहां से निकलकर वापिस गए, उस दौरान मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जब भाषण किया, कहा सरकारी भी सवालों के घेरे में है कि आखिर इन लोगों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। आगे आपको